नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल में शिवराज सरकार के रिपोर्ट कार्ड जारी किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश किया है। अमित शाह ने कांग्रेस की 15 महीने रही कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। तो रिपोर्ट कार्ड जारी किया अमित शाह ने मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार का और कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को 53 साल का हिसाब देना चाहिए। 1980 में बीमारू शब्द दिया गया था, बीमारू राज्य से बाहर निकाला है बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश को। बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं और कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। अमित शाह ने कांग्रेस के घोटालों की लिस्ट बताई, बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और कहा कि इसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता के बीच हम जाएंगे। अपने संबोधन में अमित शाह ने केंद्र और राज्य के डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश किया। जो लोग दावे कर रहे हैं उनको सबसे पहले 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस के शासन में 53 साल में मध्य प्रदेश को क्या बिरुद मिला? तो एक बीमारू राज्य का बिरुद मिला। और मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता को भरोसा दिलाने आया हूं कि आने वाले अमृत काल का समय मध्य प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में रखने के लिए और संपूर्ण आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। और मध्य प्रदेश की जनता ने भी मोदी जी के हर पहल का जवाब झोलियां भर भर कर वोटें देकर सीटें देकर निभाया है। 2014 में 29 में से 27 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीती, 29 में से हम 28 सीटें जीते कि श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ जी इसका जवाब दे। एससी एसटी और ओबीसी मिलकर बहुत बड़ी जनसंख्या मध्य प्रदेश की आबादी की होती है। आप सिर्फ 1056 करोड़ खर्च करते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने 1056 करोड़ से बढ़ाकर 64,390 करोड़ तक इसको पहुंचा है। कांग्रेस के लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि आपने मध्य प्रदेश को कितना अन्याय किया, इसका भी हिसाब दीजिए। मध्य प्रदेश में सालों तक ऊपर भी कांग्रेस की सरकारें रही, नीचे भी कांग्रेस की सरकार रही, क्या दिया मध्य प्रदेश को? आंकड़े देकर 9 करोड़ की जनता के सामने आइए। आप नहीं आएंगे, मुझे मालूम है। आपने मोदी जी और शिवराज जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं चालू की थी, सब योजनाओं को या तो बंद कर दिया या इसका पोषण करना बंद कर उसको लंगड़ी कर दी। गरीब कल्याण की पूरी हमारी मूवमेंट को कांग्रेस ने लंगड़ा करने का काम किया, अपाहिज करने का काम किया। और ये कमलनाथ जी की सरकार को सोशल मीडिया वाले करप्शन नाथ की सरकार कहने लगे। इस प्रकार का काम हुआ। इस्तीफे की 15 मिनट पहले कभी कोई मुख्यमंत्री साइन नहीं करता। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि इस रिपोर्ट कार्ड से कुछ नहीं होता, जनता चुनाव में रिपोर्ट कार्ड सुनाएगी। किसी का रिपोर्ट कार्ड नहीं चलता, सिर्फ जनता का ही रिपोर्ट कार्ड चलता है।
तो चलिए इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र, चुनाव बेहद नजदीक हैं, अब मध्य प्रदेश में कमान संभाल रखी है अमित शाह ने, रिपोर्ट कार्ड जारी किया है और कहा है कि इसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता के बीच वो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि किसी का रिपोर्ट कार्ड नहीं चलेगा, जनता का ही रिपोर्ट कार्ड चलेगा। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जनता का रिपोर्ट कार्ड चलता है और जनता का रिपोर्ट कार्ड जो है वो वोटों के रूप में नजर आता है, लेकिन पिछले अगर सालों के हिसाब से अगर देखें 2003 के बाद लगातार 13 में भी, मतलब 8 में भी, 13 में भी, और उसके बाद लगातार जो है वो बीजेपी को जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है मध्य प्रदेश में, न केवल विधानसभा में बल्कि अगर लोकसभा के लिहाज से बात करते हैं तो जिस तरीके, जिस बात का जिक्र खुद अमित शाह ने किया कि 2014 के चुनाव में 29 में से 27 सीटों पर बीजेपी काबिज थी, और अगर बात 19 की अगर हम करते हैं तो ये आंकड़ा एक और पायदान बढ़ जाता है और 29 में से 28 सीटें जो है वो बीजेपी के झोली में आती हैं। वो साफ तौर पर कांग्रेस पर मध्य प्रदेश के साथ और आम लोगों के साथ भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं 53 साल तक ऐसा रहा जब केंद्र और राज्य में बीजेपी की, कांग्रेस, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की सरकारें रही हैं, और ऐसे में मध्य प्रदेश इतना बदहाल मध्य प्रदेश क्यों रहा, बीमारू राज्य से क्यों माना जाता था। जब बीजेपी की सरकार यहां आती है उसके बाद जो तमाम जो विकास की जो एक नई इबारत लिखने का काम बीजेपी की सरकार करती है, तो वो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 20 साल में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने जो यहां के आम गरीब के लिए किया है उसका लेखा जोखा उन्होंने जनता के सामने रख दिया है। अब बारी कांग्रेस की है कि उन्होंने 50 साल में देश के लोगों के लिए हो या फिर मध्य प्रदेश के लोगों के लिए कौन से बड़े विकास के काम किए हैं ये जरूर उनके सामने रखें, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हाल ही में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से एक आरोप पत्र जारी किया गया था उसमें तमाम तरह के घोटालों का जिक्र था, हालांकि उसके बाद मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से भी तमाम 15 महीने की सरकार के घोटाले भी सामने रखे थे। तो देखिए दोनों ही राजनीतिक दल जो है वो अब चुनाव का माहौल है और चुनाव के समय जनता के बीच में जाना है, और यही कारण है कि अपनी अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश कर रहे हैं ताकि जब कार्यकर्ता जनता के बीच में जाए तो उसको ये पता रहे कि आखिर उनकी सरकारों ने क्या किया है। अब देखना होगा कि आगामी चुनाव के बाद, यानी जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद आखिर जनता किसके साथ खड़ी नजर आती है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर असली रिपोर्ट कार्ड क्या है। बिल्कुल शैलेंद्र, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट का जारी हो जाना और लगातार गृहमंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा करना, ये बताता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी कोई भी चूक नहीं करना चाहती, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, और ख़ास तौर से 2018 में जो हुआ, 2018 में जो हुआ वो रिपीट ना हो ये भी चाहती है बीजेपी, इसलिए कोई भी जोखिम लेने की तैयारी में नहीं है इस समय। बिल्कुल आपने ठीक कहा सुमित, कि 2018 में जिस तरह के परिणाम आए थे वो बीजेपी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि इस तरीके से सरकार चली जाएगी, तो यही कारण है कि 2023 में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने जा रही है, जो भी आवश्यक कदम है वो उठाए जा रहे हैं। देखिए आमतौर पर बीजेपी में कभी ये देखने को नहीं मिलता था कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले टिकट घोषित कर दिए जाए, लेकिन आकांक्षी विधानसभा जिनको नाम दिया है बीजेपी ने उनके 39 टिकट घोषित कर दिए, और सूत्र बताते हैं कि आने वाले समय में 20 से 21 टिकट और भी जारी होने वाले हैं, और चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले रिपोर्ट कार्ड पेश करना, केंद्रीय गृह मंत्री के इतने सारे दौरे होना, पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे होना, इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे होना, तमाम जो दौर की बैठक होना, राजधानी भोपाल में बैठके होती है, इंदौर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होती है, ग्वालियर में आज बैठक हुई, इसके अलावा दिल्ली में बैठके होती है, तो ये बताता है कि बीजेपी कितनी संजीदा है इस चुनाव को लेकर, न केवल 2023 बल्कि 24 पर भी केंद्र के जो आला कमान है उनकी पूरी नजर बनी हुई है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, मध्य प्रदेश में सरकार बनाना काफी कुछ निर्भर करता है, ग्वालियर चंबल संभाग में 2018 में हमें देखा था बीजेपी को यहां पर काफी नुकसान हुआ लेकिन उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली। अब यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल पर खास फोकस है अमित शाह का। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग पर विशेष फोकस है, क्योंकि देखिए 2018 के चुनाव देखे तो बीजेपी के लिए ठीक नहीं थे। बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। भाई साहब 2018 जो शायद आप कभी याद नहीं करना चाहोगे, 23 को लेकर क्या रणनीति है, क्या कुछ बदलाव देख पा रहे हैं? आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक सम्पन्न हुई है और पूरे प्रदेश का कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुआ है, और हम लोग एक सशक्त भारत, समृद्ध भारत और एक श्रेष्ठ भारत
और पंडित दीनदयाल जी के सपनों को साकार करते हुए कार्यकर्ता देख रहा है, ऐसा नेतृत्व हमारे साथ मौजूद था। माननीय अमित शाह जी ने कार्यकर्ता बार 2018 की करें तो क्या परिस्थितियां अलग देख पा रहे हैं 2018 में और 23 में? क्या ऐसा है 2018 में हो सकता है कुछ त्रुटियां हुई होंगी, लेकिन 2023 में हम लोग पूरी सतर्कता के साथ पार्टी आगे उतर रही है और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ये निश्चित है, कार्यकर्ताओं ने तय किया है। 2018 जो आपके लिए ठीक नहीं रहा था, 23 में ऐसे क्या कुछ खास करने जा रहे थे कि अमित शाह जी आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए 2018 में स्थितियां थोड़ी अलग थी। 1-2 अप्रैल का यहाँ एक प्रकरण हुआ था, एट्रोसिटी एक्ट का भी इफेक्ट था, तो हमारे सीटें कम आई। इस समय ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा फैक्टर था, उसमें सिंधिया जी कांग्रेस के साथ में थे, उनको एक मुख्यमंत्री का चेहरा के तौर पर प्रस्तुत किया था कांग्रेस ने, तो यहाँ की जनता उनको सपोर्ट। ठीक है शैलेंद्र, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता यही कह रहे हैं 2018 की परिस्थितियां अलग थी, लेकिन क्या 2023 में परिस्थितियां बदलेंगी, ये तो देखने वाली बात होगी। नजरें बना रखिएगा शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में आज पीसीसी की अहम बैठक हुई, बैठक करीब 3 घंटे तक चली। कांग्रेस की बैठक के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक में विधानसभा के उम्मीदवारों के मापदंडों पर चर्चा हुई, किन सीटों पर पार्टी मजबूत है या कमजोर है। हालांकि उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के नामों पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। बीजेपी सरकार के रिपोर्ट कार्ड जारी करने पर कमलनाथ ने कहा कि असली रिपोर्ट कार्ड जनता बनाती है। नियम बनाएंगे और आगे हमारी और बैठकें होंगी। प्रत्याशी के प्रत्याशी के नाम के बारे में चर्चा नहीं हुई, पर प्रत्याशी का क्या हो, कितनी दफे हारा हुआ हो, कितनी दफे जीता हुआ हो, किससे कितने वोट से हारा है, इन सब बातों पर चर्चा होगी। सर हमेशा रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, आज ये कह रहे हैं 20 साल का रिपोर्ट कार्ड हम रखेंगे जनता के सामने। रखिए जनता रिपोर्ट कार्ड अंत में जनता बनाती है और जनता ही रिपोर्ट कार्ड बनाती है। सर क्या मंत्री का अनुभव आगे नहीं देंगे ऐसा कुछ फैसला हुआ है? ऐसा कोई फैसला नहीं। ठीक सर, क्या मंत्री तो चलिए इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां अपने अपने रिपोर्ट कार्ड पेश करती हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, विरोधियों की कमियां भी गिनाती हैं, लेकिन कमलनाथ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जनता ही असली रिपोर्ट कार्ड बनाती है। बिल्कुल सुमित, देखिए मध्यप्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल पूरे दमखम के साथ चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं। एक और जहां आज बीजेपी के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आए और उन्होंने रिपोर्ट कार्ड सरकार का पेश किया, पिछले 18 सालों में 20 सालों में क्या कुछ काम हुए, फ्लैगशिप योजनाओं को उन्होंने जनता के बीच रखा और गिनवाया। दूसरी ओर वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी रहा, जिसमें खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, सुरेश पचौरी जैसे तमाम जो कांग्रेस के बड़े चेहरे प्रदेश के वो शामिल हुए। चुनाव अभियान समिति की और कैंपेन समिति की बैठक हुई, जिसमें तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस अपना इलेक्शन कैंपेन को आने वाले समय में किस तरह से चलाएगी। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बहुत हद तक चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना जो ब्लूप्रिंट बनाने का काम है, जो ड्राफ्ट बनाने का काम है, वो तैयार कर लिया हो और एक ऐसा खाका तैयार हो गया है जिसे अब कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो अपने कार्यकर्ताओं को देगी और वो उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरी बैठक में ये हुई कि टिकट वितरण को लेकर जो लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, ऐसे में कांग्रेस के से भी लगातार ये सवाल किए जा रहे थे। कमलनाथ ने साफ कहा है कि फिलहाल प्रत्याशियों के नामों को लेकर किसी तरीके की बैठक में बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हाँ इस बात को लेकर जरूर चर्चा हुई है कि टिकट देने के मापदंड क्या होंगे। इसमें उन्होंने मुख्य रूप से बताया कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो दावेदारी कर रहे हैं, उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, उनका राजनीतिक रिकॉर्ड क्या रहा है, वो कितने सक्रिय रहे हैं जनता के बीच में, कितने सक्रिय रहे हैं, उनका सर्वे में नाम है या नहीं है, उन्होंने पहले चुनाव लड़े हैं तो वो जीते हैं या हारे हैं, और अगर हार जीत का अंतर रहा है तो वो कितने वोटों का रहा है। इन तमाम पहलुओं पर बहुत बारीकी से कांग्रेस काम करेगी और उसके बाद ही किसी का जो टिकट है वो फाइनल करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा कैंपेन को लेकर भी इस पूरी बैठक के दौरान बातचीत हुई है, चर्चा हुई है कि कौन से स्टार प्रचारकों को बुलाया जाए, किस क्षेत्र में ज्यादा काम करने की जरूरत है, जो वर्तमान की सीटें हैं वहां पर अभी क्या स्थिति है, और जो सीटें कांग्रेस पिछले चुनाव में सुमित हार गई थी वहां पर और कितना बेहतर काम आने वाले समय में करना होगा, और वहां पर ऐसे कौन से दमदार दमदार चेहरे हैं जिनको लेकर कांग्रेस वहां पर आगे बढ़ सकती तो है। तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई और आने वाले समय में इसका असर देखने को लेकर बैठकों के दौर कांग्रेस में भी चल रहे हैं। वासु, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया।